जैसा कि आप जानते ही हैं, सीरियल प्रतिज्ञा में अनुपम श्याम ने काम किया और उनकी पहचान भी ज़बरदस्त बनी, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। अब अनुपम श्याम के गुजर जाने के बाद उनकी बात की जाए अगर परिवार वालों की, तो आप भी जानते हैं कि परिवार की हालत क्या होगी। लाइफलाइन मेडिकल हॉस्पिटल में 4 दिन से एडमिट रहने पर अनुपम श्याम के इलाज के वक्त पता चला कि उनका मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ, जिसके कारण उनका इंतकाल हो गया। 4 दिनों से वो हॉस्पिटल में जूझ रहे थे, अंतिम सांस तक वो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ते रहे। लेकिन यशपाल शर्मा अस्पताल पहुंचे थे एक्टर, और उन्होंने कहा कि निधन हो गया है अब अनुपम श्याम का, और वो दौड़े चले आए थे जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी यशपाल उनसे देखने के लिए, लेकिन वो नहीं देख पाए। हाई ब्लड शुगर की समस्या थी और आखिरी फिल्म की शूटिंग के दौरान इंजेक्शन भी वो लिया करते थे, और इसलिए वो काफ़ी प्रॉब्लम में रहे थे। बताया जा रहा है कि घर उन्हें ले जाया गया और उनका अंतिम संस्कार घर वाले भी कर चुके हैं, और अब मॉल के अंदर उनका अंतिम संस्कार हुआ है। टेलीविज़न और फिल्मों की ये ज़बरदस्त एक्टर जिन्होंने प्रतिज्ञा के बाद प्रतिज्ञा 2 में काम करने का फ़ैसला लिया था, और इसमें वो नज़र भी आ रहे थे। वैसे तो सीरियल को लेकर उन्होंने काम किया और कहा, क्योंकि जीना इसी का नाम है, अमरावती की कथाएँ हमने ली है शपथ, डोली अरमानों की, इन सभी सीरियल में उनके किरदार काफ़ी पसंद किए गए थे। नेगेटिव शेड में भी वो काफ़ी पसंद किए गए, परजानिया, बैंडिट क्वीन, लगान, दिल से, नायक, द रियल हीरो, ये वो फिल्में हैं जिसमें अनुपम ने काम किया था। ऑस्कर विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर जैसे फिल्म में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। आज हमारे बीच वो नहीं है, टीवी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक बड़े सदमे से कम नहीं है अनुपम का गुजर जाना। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ ये भी बताते चले हम आप सभी को कि अनुपम का अंतिम संस्कार काफ़ी दुखद तरीके से हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा सितारे खास तौर पर उनके चले जाने के बाद उनके आखिरी दर्शन ना करने पर तकलीफ़ में हैं, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ठाकुर सज्जन सिंह के किरदार से मशहूर हुए एक्टर का अंतिम संस्कार आज हो रहा है। कई अंगों ने साथ उनका छोड़ दिया था, जिसके बाद ज़िंदगी का साथ उन्होंने छोड़ दिया।